आज मैं बनाने जा रही हूँ ठंडी ठंडी दो तरह की स्मूदी। तो सबसे पहले बनाएंगे हम बनाना और ड्राई फ्रूट की। तो उसके लिए मैंने दो बनाना ले लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। अब ये ले लिए हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, तो 6 से 7 मैंने पिस्ता लिए हैं, और 6 से 7 ही मैंने किशमिश लिए हैं, 6 काजू लिए हैं और 6 बादाम लिए हैं, 1 अंजीर लिया है। तो इनको मैंने 2 घंटे के लिए सोख करके रख दिया था, तो ये अच्छे से भीग गए हैं। अब हम सारी चीज़ों को एक जार में डाल देंगे और 1 चम्मच डालेंगे इसमें शहद। तो बनाना भी हमारे मीठा होते हैं, इसलिए शहद मैंने 1 चम्मच ही डाला है। और 1/2 गिलास डाल देंगे इसमें दूध। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बनाना और ड्राई फ्रूट की स्मूदी तैयार हो गई है। ऊपर से डाल देंगे हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट, और ये ठंडी ठंडी स्मूदी हमारी तैयार हो गई है। अब बनाएंगे हम चॉकलेट वाली। तो उसके लिए भी मैंने ये 2 बनाना ले लिए हैं काट के, इन्हें भी हम जार में डाल देंगे। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें कोको पाउडर, और 1 चम्मच ही हम इसमें शहद डाल देंगे, और 1/2 गिलास इसमें भी दूध डाल देंगे। और बस अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट वाली स्मूदी भी तैयार हो गई है। तो ये लीजिए हमारी दोनों स्मूदी तैयार हो गई हैं, और बिल्कुल 2 मिनट लगे हैं हमें इन्हें बनाने में, और बहुत ही टेस्टी ठंडी ठंडी स्मूदी तैयार हो गई हैं।